हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जियोलॉजी वीडियो की सीरीज में। मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखिए, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये बिल्कुल सिंपल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है पहले उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक बैक्टीरिया से दो जो है उसकी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो विधि काम में ली जाती है उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर वो किस विधि के द्वारा हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें सिंपल है, इसमें माइटोसिस या मियोसिस की तरह कोई प्रोफेज या मेटाफेज या फिर टेलोफेज जैसी प्रोसेस नहीं आती है, एक जनरल सेल डिवीजन होता है। और जैसे कि आप देखें, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से खाँच का फॉर्मेशन होता है, ओके, और धीरे धीरे खाँच बड़ी हो जाती है जो इसके न्यूक्लियस को डिवाइड कर देती है और अंततः क्या होता है यहाँ पर, ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बाइनरी फीचर है, द्विखंडन है कि एक बैक्टीरियल सेल्स दो खंडों में डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके थ्री मेथड्स होते हैं। थ्री मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनमें फर्स्ट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज कॉन्जुगेशन। तो इन तीन विधियों के द्वारा बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें से जो फर्स्ट जो विधि है ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने बताया था कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था और उसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है उसका यूज किया था और इसके द्वारा उन्होंने ये भी परफॉर्म करने की कोशिश की थी कि क्या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इधर ट्रांसफॉर्मेशन था, सेकेंड जो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का जो मेथड है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसडक्शन। तो देखिए ट्रांसडक्शन जो है, इस मेथड की खोज जिंटर एंड लेडरबर्ग, जिंटर और लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को खोजा। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो तो होता है जनरल ट्रांसडक्शन, और इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये दो टाइप हो जाते हैं इसके। हम फर्स्ट टाइप जनरल ट्रांसडक्शन
कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसडक्शन जो है इसका बेसिस क्या है। इसका बेसिस ये है कि ट्रांसडक्शन में हम जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्फेक्शन कराएंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया के अंदर कराकर हम जो है इस प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, हम इससे पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले एक वीडियो बनाया हुआ है बैक्टीरियोफेज के बारे में, आप उसे देख के समझ सकते हैं। जब बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर बाहर की ओर तो प्रोटीन का कोट होता है और अंदर की ओर इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। इसके अंदर ये जो है ये इसकी टेल फाइबर्स होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है कैसे वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का संक्रमण करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसमें भी की स्ट्रक्चर में भी हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि बैक्टीरियोफेज जो है अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है। तो वहाँ पर भी हम इस टॉपिक की हेल्प ले सकते हैं और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर भी हम इस टॉपिक की हेल्प ले सकते हैं, दोनों में ये हमारे काम में आता है। तो चलिए जनरल ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। तो जनरल ट्रांसडक्शन के लिए क्या हो रहा है कि हमारे पास ये कोई बैक्टीरियल सेल, जैसे हम मान लेते हैं ईकोलाई, अब यहां पर क्या हो रहा है इस सेल में, यहां देख रहे हैं कि ये कोई बैक्टीरियोफाज है, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। इस स्टेज को इन्फेक्शन कह सकते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की है इसमें। तो इन्फेक्शन करते समय ये क्या करेगा, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड जो है उसको यहाँ पर क्या कर देगा, छोड़ देगा इस तरीके से। तो ये तो क्या हो गया, डीएनए ऑफ फाज, डीएनए ऑफ फाज मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया, और ये क्या है, ईकोलाई का डीएनए। ओके, तो दोनों के डीएनए अभी हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि जब फेज का डीएनए इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके इफेक्ट से ये जो ईकोलाई का डीएनए ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप क्या हो रहा है, इस आज के कारण, इसके कारण ये जो डीएनए है ये किस में डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंट, और ये भी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये क्या करता है, बैक्टीरियल जो डीएनए है उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है, और बैक्टीरियल जीनोम पर अपना नियंत्रण करके ये फेज का डीएनए अपने लिए एंजाइम्स का संश्लेषण करने लगता है, अपने लिए ये जो प्रोटीन कोड है जो कि यहाँ अंदर नहीं आया था इसका संश्लेषण करने लगता है, तो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन करने लगता है। कौन, ये फेज का डीएनए, किसके कारण, इस पर कंट्रोल करने के कारण। तो यहाँ पर देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे, प्रोटीन कोड वगैरह बनने लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, टेल वगैरह बनने लग जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके के का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो फॉर्मेशन क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल जीनोम है इस पर फेज के डीएनए ने अपना कंट्रोल कर लिया। आफ्टर दिस क्या होगा, आफ्टर दिस आप देखेंगे ये
जो फ्रेगमेंट्स हैं ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में मिलकर नए बैक्टीरिया फेज का क्या करते हैं फॉर्मेशन करेंगे, नए बैक्टीरिया फेज बनते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया फेज बनते हैं। इसके बाद क्या होगा, अब इनमें जब ये बने हैं तो इनमें साथ में क्या हो सकता है कि ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो भी इनके साथ क्या हो सकता है अटैच हो सकता है इस तरीके से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो हमने मान लिया कि अटैच हो गया, अब क्या होगा, अब यहाँ से इसकी जो सेल है ये फट जाएगी, ओके, इसे हम लाइटिक स्टेज कहते हैं, फट जाएगी और फटने से ये जो नए बैक्टीरिया फेज है ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये रिलीज हो गए, रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद ये किसी नई होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देखें तो ये किसी नई सेल को जब इन्फेक्ट करेंगे तो ये डीएनए इसके अंदर आएगा इस तरीके से, और बाद में तो कुल मिलाकर ये जब डीएनए इसके अंदर आया तो क्या हुआ, ये वाली जो होस्ट सेल थी इकोलाई ये होस्ट सेल नष्ट हो गई मान लो, और ये होस्ट सेल सेकेंड है, ये एक बैक्टीरिया है ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरियोफेज के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तो यहाँ पर दरअसल बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई गैमेट बनने जैसे, जैसे बड़े जीवों में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं या ओवम बनते हैं, उस तरीके का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर इस बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है उनके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किसकी हेल्प के कारण हो रहा है, बैक्टीरियोफेज की हेल्प के कारण हो रहा है। तो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं, हम बैक्टीरियो फेज में भी रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह बैक्टीरियो फेज जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, उसको रेप्लिकेट कर रहा है, बैक्टीरियो फेज जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है और अपनी संतति उत्पन्न कर रहा है। और बैक्टीरिया में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया तक क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो दोनों बातों को आपको नोटिस करना है कि बैक्टीरियो फेज जो कि क्या है, वायरस है, वायरस क्या कर रहा है, अपनी आपको रेप्लिकेट कर रहा है। हम जानते हैं कि वायरस जो है वो स्वतंत्र अपना अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी संतति उत्पन्न नहीं कर सकता, तो वायरस को किसी होस्ट सेल के अंदर जाना होता है। बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर गया है, किस होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के होस्ट सेल के अंदर, और अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, इस काम के लिए बैक्टीरिया के जो है उसके जीनोम की हेल्प ले रहा है। साथ में ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो इस माध्यम से वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी कर रहा है, तो बैक्टीरिया में भी इस तरीके से क्या हो पा रहा है, रिप्रोडक्शन हो पा रहा है। तो ये हमारी बात थी आज जनरल ट्रांसडक्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही।